शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुनालैकुम नाज़रीन किराम। आज के इस मुबारक शब यानी हज़रत हुज्जत साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम की शब विलादत बासआदत के मौके पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मुख्तसर सी स्पीच आपके सामने देने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले ये वो महीना है कि जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि रजब खुदा का महीना है और शाबान मेरा महीना है। जानना चाहिए कि शाबान वो अजीम महीना है जो रसूल खुदा के नाम से मंसूब है। हुजूर इस महीने में रोज़े रखते और इस महीने के रोज़ों को माह रमज़ान के रोज़ों से मुत्तसिल कर देते थे। इस बारे में हज़रत का फरमान है कि शाबान मेरा महीना है और जो शख्स इस महीने में एक रोज़ा रखे तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब पहली शाबान का चांद नमूदार होता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तमाम अस्हाब को जमा करते और फरमाते, ऐ मेरे अस्हाब, जानते हो कि यह कौन सा महीना है? ये शाबान का महीना है। और रसूल खुदा फरमाते थे कि शाबान मेरा महीना है। बस अपने नबी की मोहब्बत और अल्लाह की कुर्बत के लिए इस महीने में रोज़े रखो। उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली इब्नुल हुसैन की जान है, मैंने अपने पितर बुज़ुर्गवार हुसैन इब्न अली से सुना है, वो फरमाते थे कि मैंने अपने वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन से सुना कि जो शख्स मोहब्बत रसूल और तकर्रुब अल्लाह के लिए शाबान में रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसे अपना तकर्रुब अता करेगा। क़यामत के दिन उसको इज़्ज़त और हुरमत मिलेगी और जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। शेख सफवान जमाल से रिवायत की है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने करीबी लोगों को माह शाबान में रोज़ा रखने पर आमादा करो। तो रावी ने पूछा, इसकी फजीलत क्या है? इमाम ने जवाब दिया, हज़रत रसूल खुदा जब शाबान का चांद देखते तो आपके हुक्म से एक मुनादी निदा देता था, ए अहले मदीना, मैं रसूल खुदा का नुमाइंदा हूँ और उनका फरमान है कि शाबान मेरा महीना है। अल्लाह की रहमत हो उस पर जो इस महीने में मेरी मदद करे यानी कि रोज़ा रखे। रावी कहता है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे, जब से मुनादी रसूल ने यह निदा दी है उसके बाद शाबान का रोज़ा मुझसे कज़ा नहीं हुआ और जब तक ज़िंदगी का चिराग गुल नहीं हो जाता ये रोज़ा मुझसे तर्क नहीं होगा। निज़ उसके बाद फरमाया कि शाबान और रमज़ान दो महीनों के रोज़े तौबा और बख्शिश के मुजीब है। इस्माइल बिन अब्दुल खालिक से रिवायत है, वो कहता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था जबकि रोज़ा शाबान का ज़िक्र हुआ तो उस वक्त हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि माह शाबान के रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, हत्ता कि नाहक खून बहाने वाले को भी इन रोज़ों से फ़ायदा पहुंच सकता है और वो शख्स बख्शा जा सकता है। ये तो हुई माह शाबान के रोज़ों की फजीलत। और आज के शब शब पुरनूर यानी हमारे आखिरी इमाम की शब विलादत है।
और इस शब के भी मुख्तसर से आमाल है। ये बड़ी बाबरकत रात है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से 15वीं शाबान की रात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये रात शब कद्र के अलावा तमाम रातों से अफजल है। बस इस रात तकर्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर फजल व करम फरमाता है और उनके गुनाह माफ़ करता है। हक ताला ने अपनी ज़ात मुकद्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी भी साहिल को खाली नहीं लौटाएगा, मगर ये कि सिवाय उसके कि जो मासीयतों और नाफरमानी से मुतालिक सवाल करे। ये रात हमारे लिए ख़ास की है, जैसे शब कद्र को रसूलुल्लाह के लिए ख़ास किया है। बस इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा हम्द व सना इलाही करना चाहिए, उससे दुआ और मुनाजात में मसरूफ़ रहना चाहिए। इस रात की अजीम बशारत सुल्तान असर इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की विलादत बासआदत है, जो सन 255 में बवक्त सुबह सादिक सामर्रा में हुई। इस शब को गुस्ल करना, जिससे गुनाहों में तकफीफ़ हो सकती है। दूसरे ये कि नमाज और दुआ और इस्तग़फ़ार के लिए शब बेदारी करे। इसके बारे में हमारे चौथे इमाम इबादत करने वालों की जीनत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस रात बेदार रहे तो उसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के कुलूब मुर्दा हो जाएंगे। इस रात को सबसे बेहतरीन अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। जो शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगंबरों की अरवाह से मुसाफहा करे तो उसे चाहिए कि 15वीं शाबान की शब इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़े। और इमाम हुसैन की ज़ियारत सबसे छोटी ये है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उसके बाद बहुत सी दुआएं हैं जो शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब मफातिहुल जिनान में दर्ज किया है। और इसके अलावा एक अमल ये भी है कि सलवात शाबानिया, जो हमारे चौथे इमाम से मनकूल है, उसे भी शब में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो 2 रकात है, उसे भी पढ़ना चाहिए। और सबसे बेहतर अमल दुआए कुमैल, जिसको 15वीं शाबान के शब में पढ़ने की बहुत ताकीद की गई है। और इसके बाद आज की जो सबसे बड़ी मुनासिबत है, वो है हमारे इमाम ज़माना की विलादत। हमारे 12वें इमाम की विलादत बासआदत सामर्रा में 15 शाबान सन 255 में बवक्त सुबह हुई। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद और मशहून लक़ब मेहदी आखिर ज़मान साहिबुल अम्र कायम आल मोहम्मद इमाम गायब वगैरह है। आपके पितर बुजुर्गवार हमारे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। आपकी मादर गिरामी का नाम मलिका था, जिनको सोसन, रेहाना और नरजिस खातून भी कहते हैं। ये मुअज़्ज़मा कैसर रूम की पोती थी। उनको ख्वाब में जनाब सैयदा ने मुसलमान किया था। उनकी वालिदा जनाब शमऊन अस्सफ़ा वसी जनाब ईसा की औलाद से थे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन जनाब हकीमा खातून, यानी हमारे 11वें इमाम की फूफी, इरशाद फरमाती है कि एक दिन मेरे भतीजे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाकर कहा, ए फूफी जान, आज शब आप यहीं पर क़याम कीजिए। खुदावंद आलम इस शब में अपनी हुज्जत ज़मीन पर जाहिर करेगा। मैंने पूछा, किसके बतने से? इमाम ने फरमाया, नरजिस खातून से। ये सुनकर मैंने कहा, मैं तो कुछ आसार हमले नरजिस खातून में नहीं पाती। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, फूफी, इनका हमल मादर मूसा की मानिंद है, जो आम लोगों पर जाहिर न था और वक्त विलादत तक
किसी को पता ना चला। फुफीजान मेरा ये फर्जंद मिसल मूसा है। अलगरज हकीमा खातून फरमाती है, मैं वहाँ ठहर गई, जब सुबह सवेरे में उठी तो मैंने नरजिस खातून पर इस्तराब के आसार पाए। इमाम ने फरमाया, इस वक्त उन पर सूरह कद्र पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया और नरजिस खातून से पूछा, क्या कुछ असर महसूस करती हो? कहा, हाँ, बहुत ही कलील अरसे में इमाम ज़माना का ज़ुहूर हुआ। आप पैदा होते ही सजदे खालिक में झुक गए और कलमाए शहादतें ज़बान पर जारी किया। मैंने देखा कि आपके दाहिने हाथ पर लिखा हुआ था, ज़ाकल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातला काना ज़हूका। हक आया, बातिल गया और बातिल मिटा, बातिल तो मिटने ही वाला था। जनाब हकीमा खातून फरमाती है, मैंने ये भी देखा कि आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम ने तलब किया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुफी अम्मा, बच्चे को मेरे पास ले आओ। मैं फौरन बच्चे को लेकर के 11वें इमाम की खिदमत में आई। उन्होंने बच्चे को अपने सीने पर लिटाकर ज़बान उनके मुंह में दे दी और तमाम आज़ाए बदन पर अपना हाथ फेर कर फरमाया, ए फर्जंद, कुछ बोलो। बच्चे ने खुदा की वहदानियत, रसूल की रिसालत और अइम्मा की इमामत की गवाही दी। उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, ए फुफी अम्मा, अब बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाओ और 7वें दिन फिर आ जाना। मैं हसब इरशाद 7वें रोज़ फिर आई, देखा कि आप बच्चे को गोद में लिए हैं और बच्चा इस आयत मुबारक की तिलावत कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीन इस्तुसअफू फिल अर्ज़ वनजअल लहुम अइमतन वनजअल लहुम वारिसीन। यानी अल्लाह का इरादा यह है कि एहसान करें उन लोगों पर कि जो ज़मीन के ऊपर ज़ईफ़ बना दिए गए हैं, और हम उनको इमाम करार दें और उन्हीं को वारिस बनाए। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कई रोज़ के बाद फिर जो गई और पर्दा उठा कर देखा तो नरजिस खातून के पास इस बच्चे को ना पाया। मैंने बेचैन होकर अपने भतीजे से पूछा, बच्चा कहाँ है? आपने फरमाया, ए फुफी, हमने उसको उसी तरह खुदाए हफीज़ व कदीर के सुपुर्द कर दिया है जिस तरह मादर मूसा ने जनाब मूसा को किया था। चंद रोज़ बाद फिर मैं अपने भतीजे के घर गई, देखा कि साहबजादे दौड़े दौड़े फिरते हैं। मैंने हजरत से कहा, ये बच्चा तो 2 बरस का मालूम होता है। इमाम ने फरमाया, ए फुफी, अंबिया और औसिया के जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी नशो नुमा आम लोगों के खिलाफ होती है। हमारा 1 माह का बच्चा 1 साल के बराबर होता है और हमारा बच्चा शिकम मादर में कलाम करता है और कुरान की तिलावत करता है। फरिश्ते उसकी इताअत करते हैं और हर सुबह उसके पास आते हैं। बस थोड़ी ही अरसे में हज़रत जवान मालूम होने लगे। हमारे साहिबुज़्ज़मान को 5 साल अपने पितर बुज़ुर्गवार के साए आतिफत में रहने का मौका मिला। जब हिजरी सन 260 माह रबीउल अव्वल की 8वीं तारीख को हमारे 11वें इमाम की शहादत वाक़ हुई तो उसके बाद आप इमाम ज़माना हुए। उस वक्त आपकी उम्र 4 बरस 6 माह और 23 दिन की थी। हमारे अइम्मा के मुतालिक उम्र का ज़्यादा होना या कम होना कोई सवाल ही नहीं है। उनका कयास आम लोगों पर नहीं किया जा सकता। ये तो सगीरोना कबीरोना सेवा यानी छोटे बड़े सब यकसा है। ये आलम तिफली ही में लौहे महफूज का मुतालिया करने वाले हैं। चूँकि हमारे ज़माने का इमाम 9 रबीउल अव्वल को मनसब इमामत पर फायज़ हुआ,
लिहाजा ये दिन हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी और ईद का दिन है। चूँकि दुश्मन की तरफ से कत्ल का कवी अंदेशा था, लिहाजा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इस कदर एहतियात से काम लिया कि जब हज़रत हुज्जत पैदा हुए तो इस मामले को सबसे पोशीदा रखा और सिवाय चंद मखसूस अफराद के किसी शख्स पर इस अमर को ज़ाहिर ना होने दिया। यहाँ तक कि आप 5 बरस के हुए और हज़रत हुज्जत आपके सामने रहे, लेकिन इस मुद्दत में पसे पर्दा ही रखा गया, क्योंकि आपको ये खौफ था कि अगर दुश्मनों ने यह ख़बर बादशाह तक पहुँचा दी तो वो ज़रूर इस हुज्जत खुदा को कत्ल कर डालेंगे और इस हदीस रसूल को जुटलाने की कोशिश करेंगे कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। नूर अहल बैत को बुझाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही थी। आदा दीन अइम्मा अहल बैत को यके बाद दीगर किसी को तलवार से तो किसी को जहर से बराबर शहीद करते चले आ रहे थे। अब्बासी खलीफा मोतमिद ने यह हदीस सुनी थी कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद हुज्जत खुदा होंगे, इसलिए वो आपको किसी हालत में भी कैद से रिहा करता ही न था। मगर एक मरतबा सामर्रा में कैद पड़ा, उस बला को टालने के लिए इमाम को रिहा किया और जब बला टल जाने के बाद इमाम वापस जिंदान में तशरीफ लाए तो बादशाह ने पूछा, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? इमाम ने जवाब दिया, जहाँ तुमने मुझे रखा है। बादशाह नादिम हुआ और कहने लगा, यब्न रसूलिल्लाह, आप अपने घर तशरीफ़ ले जाइए। इमाम अपने घर आए और उन्हीं दिनों में जनाब नरजिस खातून हामिला हुई। आपकी पैदाइश का हाल अगरचे मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका, लेकिन इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद से हज़रत हुज्जत की गैबते सुगरा का ज़माना शुरू हुआ। उस वक्त फैज़ रसानी की ये सूरत रही कि हुजूर किसी शख्स को अपना वकील मुकर्रर फरमा देते थे, वही लोगों के मसाइल हज़रत की खिदमत में पेश करते थे और हज़रत के जवाबात उन तक पहुँचा देते थे। किसी को तहरीरी, किसी को ज़बानी, 70 साल तक ये सूरत रही। 329 हिजरी में हुजूर की गैबते कुबरा का ज़माना शुरू हुआ। उसके बाद फिर कोई भी हज़रत की खिदमत में न जा सका। अगरचे हमारे आका हमारी नज़रों से गायब है, मगर हमसे दूर नहीं। हमसे वो पोशीदा है, हम उनसे पोशीदा नहीं। हमें वो नहीं दिखाई देते, मगर वो हमारे हालात से आगाह है। हमारे अरीज़े उनकी बारगाह में बराबर पहुँचते। और आज की शब एक आमाल ये भी है कि इमाम ज़माना की खिदमत में अरीज़ा लिखा जाए और इसे इमाम के नायब हुसैन बिन रोह इमाम तक पहुँचाते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, हसीन चांद फलक पर जवा तो होने दो, हसीन चांद फलक पर जवा तो होने दो, इमाम आएंगे वक्ते अजां तो होने दो, इमाम आएंगे वक्ते अजां तो होने दो। हर एक मुराद से भरते हैं झोलिया आका, हर एक मुराद से भरते हैं झोलिया आका, समंदरों में अरीज़े रवा तो होने दो, समंदरों में अरीज़े रवा तो होने दो। मुतवातिर अहादीस की रोशनी में मुसलमानों का हर फिरका ये तस्लीम करता है कि रसूल के 12 जानशीन होंगे, मगर रसूल इस्लाम के 12वें जानशीन के बारे में इख्तलाफ है। कोई कहता है कि आपके वजूद से ये दुनिया मुनव्वर हो गई है, कोई कहता है कि वो अभी पैदा होने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि हुजूर की विलादत हो गई है और आप 5 साल की उम्र में हुक्म खुदा से पर्दा गैबत में चले गए हैं। जब हुक्म खुदा होगा तो आप हिजाब गैब से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। और हदीस सकलैन भी हमारे इस अकीदे की रहनुमाई करती है। इस्लाम का हर फिरका हदीस सकलैन के सामने सर तस्लीम खम किए हुए है।
इस हदीस शरीफ में जनाब ख़त्मी मरतबत इरशाद फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत और कुरान हमेशा हमेशा साथ साथ रहेंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझे आना मिले। अब अगर वजूद हज़रत हुज्जत से इनकार किया जाएगा तो सवाल ये पैदा होगा कि कुरान तो मौजूद है, अहले बैत कहाँ? हदीस नबवी की सदाकत की सेहत बरकरार रखने के लिए और कोई चारा ही नहीं है कि वजूद हज़रत हुज्जत का इकरार किया जाए, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि ये किताब खुदा और ये हमारे बारव इमाम इतरत रसूल है। और ये शब शब विलादत साहिबुज़्ज़मा के साथ शब बरात भी है। आज शब को आमाल है और बस हमारी ये महफिल आमाल में से एक अमल है, फिर भी आज शब के मखसूस आमाल के लिए कुछ वक्त हमें सर्फ करना होगा और नमाज सुबह के बाद हुजूर की खिदमत में अरीज़े पेश करने हैं। तो अब अरीज़े ही के मुतालिक एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस वाकये से आप बखूबी समझ लेंगे कि हमारे मौला हमसे पोशीदा नहीं, हमसे पोशीदा है, हम उनसे पोशीदा नहीं हैं। हमारी आँखों से वो छुपे हुए हैं, हम उनकी नज़रों से ओझल नहीं हैं। हमारी मुश्किलात, हमारी एहतियाज, हम वो सब जानते हैं। हमारे आमाल उनके सामने पेश होते रहते हैं, हमारे आमाल अच्छे देखकर वो खुश होते हैं, हमारे बुरे आमाल को देखकर उन्हें रंज होता है। खुदा करे हमारे आमाल उनको रंज पहुंचाने के बायस ना बने। बस आखिर में एक वाकया जो अरीज़े ही के मुतालिक है। अरीज़े में आपकी हुई हाजतों को वाकिफ भी होते हैं, जो हाजत बर आने के काबिल होती है आप उनके ऊपर अपनी मोहर लगा देते हैं। और ये सब कारोबार में जनाब सलमान फ़ारसी बल्कि सलमान मुहम्मदी आपका हाथ बटाते हैं। आका मिर्ज़ा इब्राहिम शिराज़ी बयान करते हैं कि मैं शिराज़ में रहता था, मेरी कुछ हाजतें थीं जिनके पूरा ना होने की वजह से मैं हमेशा उदास रहा करता था। उन हाजतों में एक हाजत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबलाए मौला पहुँचने की भी थी। जब किसी तरह भी हाजतें पूरी होने का इम्कान न देखा तो मैंने एक अरीज़े में वो सब हाजतें लिखकर साहिबुज़्ज़मान की खिदमत में इमदाद चाहने का कसद किया। अरीज़ा लिखा, सब हाजत तहरीर की, फिर वो अरीज़े को पाक मिट्टी में लपेटा। शाम को शहर से दूर एक बहुत अमीक कुआँ था, उसमें पानी भी कसीर था, उसमें डालकर शहर में वापस आ गया। मेरे इस अमल की सिवाय खुदा के किसी और को खबर ना हुई। दूसरे दिन जब मेरे उस्ताद के पास दर्स लेने गया तो उस वक्त और तलबा भी वहाँ बैठे हुए थे। हमारे उस्ताद मोहतरम ने मेरा नाम लेकर फरमाया, मिर्ज़ा इब्राहिम, तुम्हारा अरीज़ा इमाम की खिदमत में भिजवा दिया गया है। मुझे बड़ी मसर्रत हुई, मगर मैंने सोचा हमारे उस्ताद को कैसे पता चला मैंने अरीज़ा लिखा है। मैंने अपनी ये उलझन उस्ताद से अर्ज़ की, उन्होंने फरमाया, आज रात मैंने ख्वाब में जनाब सलमान फ़ारसी को देखा, उनके पास बहुत से आदमी थे और उनके सामने कागजात के ढेर पड़े हुए थे जिन्हें वो देख रहे थे। जब जनाब सलमान फ़ारसी ने मुझे देख लिया तो फरमाने लगे, मिर्ज़ा इब्राहिम के अलावा चंद और नाम बताकर कहा कि इन सब को खबर दे दो कि उनके अरीज़े हुजूर की खिदमत में पहुंचा दिए गए हैं। अब जो मैंने देखा तो जनाब सलमान फ़ारसी के हाथ में कुछ कागजात थे और उसके ऊपर इमाम ज़माना की मोहर भी लगी हुई थी। मैं समझा कि जो अरीज़ा मकबूलियत का शरफ़ हासिल करने के लायक होता है उस पर इमाम अपनी मोहर लगाते हैं। मिर्ज़ा इब्राहिम कहते हैं कि बाद में उस्ताद से मैंने अपने अरीज़े का हाल बयान किया।
उनको अपने ख्वाब की तस्दीक हो गई। उस्ताद के उस ख्वाब के बाद कुछ ही अरसे में मेरी तमाम हाजतें बर आ गई और मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुआ। बस अपने बयान को समेटते हुए फिर एक मरतबा में तमाम हजरात, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में हमारे बारहवें इमाम, वारिस रसूल, वारिस अली, कायम आले मोहम्मद, वली असर, हुज्जतुल्लाह, बकियतुल्लाह, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह अहदियत में दुआ है, परवरदिगार दुनिया जुल्म जोर से पूरी तरह भर चुकी है जैसा कि तेरा वादा है कि तू एक दिन उस मुंजी को भेजेगा जो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से कायम कर देगा जिस तरह वो जुल्म जोर से भरी होंगी। तो बस तेरी बारगाह में यही हमारी दुआ है और आज सिर्फ हम ये फरियाद नहीं कर रहे हैं, आज जन्नतुल बकी सामर्रा की टूटी हुई कब्रें भी ये फरियाद कर रही है कि कब हमारी तामीर करने वाला आए। आज जनाब हुजर इब्न अदी का मज़ार, जनाब जाफर तैयार का मकबरा भी ये फरियाद कर रहा है कि एक दिन वो आए और ये जो जितनी भी ताकतें हमारे ख़िलाफ़ उठी हुई है उन तमाम ताकतों से बदला लें। आखिर में बस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में चार मिसरे पेश करने हैं, उसके बाद अपने बयान को समेट रहा हूँ। हिदायत की लौ थरथराने लगी है, जहालत हर एक सिमत छाने लगी है। हिदायत की लौ थरथराने लगी है, जहालत हर एक सिमत छाने लगी है। चले आइए गैबत से अब तो ऐ मौला, ये दुनिया हमें आजमाने लगी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।